एक समय था जब हमारी दुनिया में डायनासोर का राज था। वे चलते थे जहां हम चल रहे हैं, वही सांस ले रहे थे जहां हम सांस ले रहे हैं। इसी धरती पर कई लड़ाइयां लड़ी इन दैत्यकार बड़े विचित्र डायनासोर ने। करीब 14 करोड़ सालों तक हमारी धरती पर राज किया। इन डायनासोर की कई हजार प्रजातियां थी। इनमें से कुछ शाकाहारी थे तो कुछ मांसाहारी, और कुछ डायनासोर्स बहुत ज्यादा शांत स्वभाव के थे। वे कुछ डायनासोर्स बहुत ही हिंसक और खतरनाक थे, उस समय के सबसे सफल जीव थे। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ? आखिर वो कौन सी घटना थी जिसने इनका नामो निशान तक मिटा दिया? इसे जानने के लिए हमें करोड़ों साल पीछे जाना होगा और डायनासोर्स के उस अंतिम दिन के बारे में करीब से जानना होगा। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं फैक्ट्स लेबोरेटरी। फैक्ट्स की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से लगभग 65 मिलियन साल यानी 6.5 करोड़ साल पहले धरती पर मौसम सामान्य था। चारों ओर सूरज की रोशनी बिखरी हुई थी। लंबे लंबे पेड़ों से टकराती समुद्र की ठंडी हवाएं और चारों तरफ डायनासोर के चिल्लाने चिंघाड़ने की आवाज से जब ये सारी डायनासोर प्रजाति बड़े ही आराम से इस धरती पर अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। लेकिन फिर तब 10 करोड़ साल पहले ही इनकी किस्मत भी लिखी जा चुकी थी। 10 करोड़ साल पहले एक छोटा सा एस्ट्रॉइड का टुकड़ा जो सुदूर अंतरिक्ष से आ रहा था, वे पृथ्वी से लगभग 20 करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति के बीच बने शुद्र ग्रह बेल्ट में घूम रहे एक बड़े से एस्ट्रॉइड से टकराता है। उस टकराव से उस बड़े एस्ट्रॉइड की दिशा बदल जाती है और वह शुद्र ग्रह बेल्ट से निकलकर सीधे पृथ्वी की ओर 22,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ने लगता है। जब यह एस्ट्रॉइड पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर था, तब धरती से शायद डायनासोर का अंत ना होता यदि यह एस्ट्रॉइड पृथ्वी के उपग्रह चांद से टकराता। लेकिन यदि को लगता है कुछ और ही मंजूर था। 40 किलोमीटर के व्यास वाला 2 ट्रिलियन मेट्रिक टन का यह एस्ट्रॉइड प्रत्येक सेकंड के साथ साथ धरती के करीब बढ़ता जा रहा था। दोस्तों, ये एस्ट्रॉइड जब पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आया तो इसकी रफ्तार 71,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते ही घर्षण की वजह से ये एक भयानक आग के गोले में बदल गया। ये इतनी रफ्तार से धरती की ओर बढ़ रहा था कि सिर्फ 4 मिनट में इसने अटलांटिक ओशन को पार कर लिया था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इसकी चमक इतनी अधिक थी कि धरती पर टकराने से पहले ही हजारों जीव इस आग के दहकते गोले को देखकर पूरी तरह से अंधे हो चुके थे। ये जीव उस उल्का को देख नहीं पा रहे थे, लेकिन वो इसकी भयानक गर्मी को महसूस कर रहे थे। कुछ ही क्षण में यह एस्ट्रॉइड मेक्सिको के खाड़ी के पास जमीन से टकराता है और लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस की ऊर्जा वाला एक भयानक विस्फोट होता है। इस टकराव का विस्फोट लगभग 10 हाइड्रोजन बम के विस्फोट के बराबर था। ये विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसके टकराते ही धरती के लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चली गई। टकराव वाली जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। विस्फोट के कारण इस गड्ढे का सारा मेटल और पत्थर आसमान में धूल के बड़े बादल में बदल गया। 16 मिनट 40 सेकंड बाद जमीनी टकराव की वजह से धरती के अंदर चारों ओर 11.1 तीव्रता की भूकंपीय तिरंगे उठने लगे। इस वजह से समुद्र में विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ और एक के बाद एक सुनामी की लहरें चारों तरफ बढ़ने लगी। भूकंपीय तिरंगों ने सभी सक्रिय ज्वालामुखियों को तह कर दिया, जिसके कारण जगह जगह डायनासोर्स का विनाश होना शुरू हो गया। धरती के महाविनाश की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। इस भयानक विस्फोट में रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई थी कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव जलकर पूरी तरह राख के ढेर में बदल गए थे। इस महाविनाश में उड़ने वाले डायनासोर इन जमीनी खतरों से बच निकले, लेकिन यह तो महाप्रलय की लगता था बस शुरुआत ही हुई थी। विस्फोट की वजह से जो लाखों टन मेटल पत्थर और धूल अंतरिक्ष में गया था, वे ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ठीक 40 मिनट बाद आग के गोले के रूप में पूरी धरती पर बरसने लगा। साथ ही धूल का एक बहुत बड़ा तूफान 6,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी के दूसरी तरफ मौत लेकर आ रहा था। ये धूल के बादल कई किलोमीटर मोटे थे, जिसकी वजह से धरती पर सूरज की रोशनी का पहुंच पाना असंभव हो गया था। गर्म हवाओं का तापमान 60 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाने के कारण धरती पर पेड़ पौधों की लगभग सारी आबादी जलकर खाक हो गई थी। विस्फोट के 90 मिनट बाद
धरती का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया। इसकी वजह से जो डायनासोर विस्फोट के इलाकों से कोसों मील दूर थे, वे भी इस गर्मी से बच नहीं पाए। इस महाप्रलय से धरती की कुल 90% प्रजाति पूरी तरह खत्म हो गई थी। जो 10% जीव धरती पर बच गए थे, उनमें से सिर्फ वही जिंदा रह सके जिनका वजन 30 किलोग्राम से कम था। इसका कारण ये था कि इस महाप्रलय में लाखों की संख्या में जीव मारे जा चुके थे और पेड़ पौधों की सारी आबादी भी जलकर राख हो चुकी थी, जिसके चलते यहाँ जो बड़े और विशालकाय जीव जीवित बच गए थे, उन्हें भरपूर मात्रा में खाना ना मिल सका। लेकिन ये महाप्रलय किसी अन्य जीव के लिए फायदेमंद साबित होने वाला था। जी हाँ, धरती पर डायनासोर का अंत एक छोटी प्रजाति के लिए सुनहरा अवसर लेके आया, और वह प्रजाति थी मैमल्स। दोस्तों, अब ये सवाल है कि डायनासोर के अंत के बाद पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति कैसे हुई। आज से करीब 40 साल पहले अफ्रीका के पूर्वी इलाके में एक नई पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। ये श्रृंखला यहाँ आने वाले मौसमी हवाओं के लिए एक अवरोध बन गई थी। इस वजह से यहाँ के जंगलों में बारिश आनी बंद हो गई। एप्स इस जंगल में रहते थे, एप्स पेड़ के ऊपर रहते थे क्योंकि खाने की कमी ना आए, इस वजह से ये हमेशा पेड़ों पर रहते थे। लेकिन अब समय के साथ साथ सूखा पड़ने लगा, बिना बारिश के जंगल नष्ट होने लगे और एप्स के लिए खाने की समस्या उत्पन्न होने लगी। खाने की तलाश में इन्होंने पेड़ों से उतरने का निर्णय लिया। जो थे अर्थिपिथेकस रैमिट्स, ये हमारे पूर्वज थे जिन्होंने बहुत बड़ा निर्णय लिया था। इनका दिमाग एक संतरे जितना बड़ा था और आकार में ये 4 फीट लंबे होते थे। कई हजारों सालों के डेवलपमेंट के बाद हमारे पूर्वज अब 2 पैरों पर चलने लगे। इससे ऊर्जा कम खर्च होती थी और इस तरह से पृथ्वी पर मानव जाति की उत्पत्ति हुई। सो ये थे कुछ फैक्ट्स और मानव जाति की उत्पत्ति को लेकर। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। फैक्ट्स की दुनिया में डूब जाने के लिए आपका धन्यवाद, और देखते रहिए फैक्ट्स लैबोरेटरी।